हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ग्रेविटेशन चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले चैप्टर में हमने ग्रेविटेशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उसको कंप्लीट किया था, तो इस वीडियो में हम लोग उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, दिया हुआ है, ऑन द मून सर्फेस द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ द मून इज 1.74 × 10⁻⁶ मीटर, कैलकुलेट द मास ऑफ द मून। क्या दिया हुआ है दोस्तों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी का मान कितना दिया हुआ है, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ द मून दिया हुआ है, आर का मान 1.74 × 10⁶ मीटर दिया हुआ है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान आपको पता है कितना होता है, 6.67 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप लोग क्या कीजिएगा, सवाल को बनाने से पहले जितना भी डाटा दिया हुआ है उस डाटा को लिख लीजिएगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास रेडियस का मान दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का मान दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। ओके, मास निकालना है। तो सवाल को बनाने के पहले या इस न्यूमेरिकल वीडियो को देखने के पहले एक और एडवाइस रहेगा, आप लोग जितना भी चैप्टर में न्यूमेरिकल है, जितना भी फॉर्मूला है, सॉरी, आप लोग उसको क्या कीजिए, एक बार देख लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए कि किस फॉर्मूले में कौन कौन सा टर्म दिया हुआ है, उसके बाद ये बनाइए। देखिए, तो हम देखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। तो जी का मान क्या होता है, जी एम बटा आर स्क्वायर होता है। जी यहाँ पे क्या है, कैपिटल जी, ये ग्रेविटेशनल क्या है, कांस्टेंट है, एम मास है, और आर क्या है, रेडियस है। हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का मान रखेंगे, कितना दिया हुआ है, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मान हम क्या रखेंगे। तो देखिए, पहले तो हमें मास निकालना है, मास, तो हम मास के टर्म में इसे लिख लेंगे, तो मास के टर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर बट्टा जी हो जाएगा। देखिए, और यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का मान कितना हो गया, 1.67 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर का मान ये दिया हुआ है 1.74 × 10⁶, तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर, दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे ग्रेविटेशन एक कांस्टेंट का मान यहाँ पे रख देंगे, कितना रखेंगे, जो दिया हुआ है 6.67 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए, एग्जाम में कभी कभी ये नहीं आता है, एग्जाम में कभी कभी आपका वो जो यूनिट है, यूनिट ही आ जाएगा, यूनिट दे देगा, बताइए फाइंड द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपको लगेगा कि अरे फॉर्मूला हम याद कर लिए हैं, अरे हम डाटा याद कर लिए, लेकिन यूनिट, तो आप यूनिट का भी ध्यान रखिएगा कि यूनिट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेशन आप कीजिएगा, तो एम का मान कितना आएगा, मास का मान आ जाएगा 7.58 × 10⁻²² के जी। एक ही फॉर्मूला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या दिया हुआ है, अगला सवाल दिया हुआ है, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट अपॉन ए बॉडी हुज वेट इज 9.8 न्यूटन। क्या दिया हुआ है, तो देखिए हमारे पास दोनों न्यूटन में दिया हुआ है, लेकिन एक जो न्यूटन है ये क्या है, ये हमारा फोर्स है, ये क्या है, फोर्स है, और दूसरा जो दिया हुआ है इसका वेट दिया हुआ है, तो वेट क्या होगा, वेट को भी न्यूटन में ही नापते हैं, आपने इसमें चैप्टर में पढ़ा होगा और मैंने बताया भी है, तो वेट जो है वो 9.8 न्यूटन हो गया। तो हमें निकालना है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, हमें मास पता करना है कि मास कितना होगा, एंड हाउ मच इज इट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन की यहाँ बात हो रही है और मास की बात हो रही है, दो ही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू बराबर एम जी। तो यहाँ पे जी क्या है दोस्तों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एम क्या है, मास है। अगर हमें मास का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई जी हो जाएगा, तो डब्ल्यू का मान कितना दिया हुआ है, 9.8 न्यूटन दिया हुआ है, और जी का मान तो हमें पता ही है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, दोनों का मान रख देंगे, दोनों का मान काट कूट कर देंगे, तो काट कूट कर देंगे तो कितना आएगा, 1 kg आ जाएगा। ओके, देखिए पहले बेसिक से शुरू कीजिए, फिर और उससे थोड़ा सा टफ बनाइए, फिर थोड़ा सा और टफ बनाइए, उसके बाद बनाइए सबसे बड़ा वाला टफ। ओके, बस फॉर्मूला याद रखिए, क्या क्या दिया हुआ है ये याद रखिए, और क्या निकालना है ये याद रखिए, इतना हो गया तो समझिए कि इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट, तो हमें नेक्स्ट तो नहीं है, ये टेक्स्ट ही है। ओके, तो देखिए यहाँ हमने मास तो निकाल लिया है, मास का मान कितना निकाला है, 1 kg निकाल लिया है,
फिर हमें यहाँ निकालना था एक्सेलरेशन का मान निकालना था, एक्सेलरेशन तो हमने निकाला नहीं, हमने तो यहाँ बस मास निकाला है, तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है, न्यूटन वाला नियम पढ़ा है ना आपने। तो ए का मान हम यहाँ निकालेंगे, तो ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा। तो एफ अपॉन एम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ का मान तो आपने निकाला हुआ है, सॉरी निकाला हुआ नहीं है, एफ का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, 20 न्यूटन को यहाँ रख दीजिए, और यहाँ पे मास का मान आपने कितना निकाला है, 1 kg, तो 20/1 दैट इज 20 m/s². ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आता है कॉम्पिटिशन में भी आता है, आपके बुक्स में भी दिया हुआ है, आप लोग बनाइए इंजॉय कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए क्लिफ, व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट फॉलन फ्रॉम 100 m। देखिए ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, यानी एक स्टोन को हम ऊपर से गिराए हैं, तो पहले गिराए हैं, तो पहले गिराने से पहले तो हमारे हाथ में ही होगा, ओके तो हाथ में होगा, तो उसका जो इनिशियल स्पीड होगा जिसको हम यू से डिनोट करते हैं वो कितना होगा, 0 m/s² होगा। उसके बाद दिया है फ्रॉम ए क्लिफ व्हाट विल बी इट्स स्पीड, यानी जब इसका स्पीड क्या होगा, जब हम इसको अपने हाथ से छोड़ेंगे, व्हेन इट हैज फॉलन 100 m, जब 100 m गिर जाएगा तो आपको बताना है कि उसका स्पीड कितना होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू 100 m, जी इज इक्वल टू 9.8 m/s². U का मान ये हो गया, 0 दिया हुआ है, एक ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने उसमें लगाया था 1D वाले चैप्टर में, v² = u² + 2as होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, v² = u² + 2gs, g का मान 9.8 और s का मान रखेंगे 100, तो v का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, v का मान हो जाएगा रूट ओवर 1960, गुना करेंगे तो आएगा, आप कर लीजिएगा, आप तो सुपरमैन है, बना लीजिएगा, ओके v = 14.271 m/s हो जाएगा, ओके ये का आपका एक और प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, टू बॉडीज ऑफ मासेस 3 kg and 12 kg आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 m। क्या दिया हुआ है दोस्तों, दो बॉडीज हैं, देखिए दो बॉडीज हैं और दोनों का वेट क्या है, एक का 3 kg है और दूसरा का क्या है 12 kg है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 12 m दिया हुआ है, देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 m दिया हुआ है। ए थर्ड बॉडी ऑफ मास 0.5 kg इज टू बी प्लेस्ड एट सच ए पॉइंट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 m दिया हुआ है, और दोनों के बीच में एक तीसरा बॉडी रखा हुआ है जिसका वेट कितना दिया हुआ है, 0.5 kg दिया हुआ है, 0.5 kg दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि उसको हम कहाँ रखेंगे ताकि क्या हो, दोनों का फोर्स क्या हो लगे, दोनों फोर्स जो है इस बॉडी पे जो लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, तो हमको बताना है कि उसको कहाँ रखेंगे हम। बहुत ही आसान है, एक छोटा सा मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाया है, क्योंकि ड्राइंग चूंकि मेरा बहुत बुरा है इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया है, ओके तो आप क्या कीजिए, देखिए हमारा दो बॉडी है, एक हमारा ए है और दूसरा क्या है हमारा बी है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमने यहाँ 12 m लिख दिया है, एक हमने रैंडमली एक पोजीशन ले लिया यहाँ पे सी, जिसका वेट हमने हमारे पास कितना है 0.5 kg है, तो अगर इसके बीच का डिस्टेंस हम x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 - x हो जाएगा। बहुत ही आसान होगा, ये दो पार्टिकल हो गया, फिर इन दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स लगेगा, और दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, दोनों फोर्स बराबर होगा तभी तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो 0 होगा, दोनों साइड से फोर्स बराबर लगेगा तब तो देखिए हम क्या करते हैं, एक जो बेसिक फॉर्मूला है वो पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बेसिक फॉर्मूला जो होता है F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई R² होता है, ओके तो हम देखते हैं ये फोर्स A और C के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, तो हमें फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, एक मास चाहिए, दूसरा मास चाहिए, और दोनों के बीच का क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो पहला मास हमारा यहाँ दिया हुआ है 3 kg, दूसरा मास दिया हुआ है 0.5 kg, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एक्स मीटर दिया हुआ है। तो g पहला रखेंगे 3 और दूसरा रखेंगे 0.5, और x का क्या रखेंगे, x रखेंगे, ओके तो ये हमारा इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, फोर्स का मान आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो इन दोनों के बीच भी हम निकालेंगे कि क्या फोर्स लग रहा है, तो यहाँ दिया हुआ है c का मास कितना दिया हुआ है 0.5 kg, और b का मास कितना दिया हुआ है 12 kg दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, तो जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो जी को हम यहाँ रखेंगे, एम का मान 0.5 kg
और एम बी का मान कितना 12 के जी, और आर टू का मान 12 माइनस एक्स, फॉर्मूला पे रख देंगे। अब क्या करना चाहिए, ये जो पार्टिकल है सी, इस पे क्या होना चाहिए, इस पे फोर्स बराबर एक्ट करना चाहिए, यानी ये दोनों फोर्स क्या होगा, बराबर होगा, तब तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो जीरो आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्स को बराबर कर देंगे, जो हमारा F2 आया हुआ है और जो हमारा F1 आया हुआ है। तो F1 का मान निकालेंगे, तो F1 का मान यहाँ रख दीजिए और F2 का मान यहाँ पे रख दीजिए। F1 का मान देखिए ये है g into 3 into 0.5 x square और ये F2 का मान है। g से g को कैंसिल कर देंगे और 0.5 से 0.5 को कैंसिल कर देंगे, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे, अब आप लोग तो मास्टर माइंड है, आप कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिए, देखिए कैसे कैसे आया हुआ है। कैलकुलेशन करेंगे तो 4x² = क्या हो जाएगा, 144 + x² - 24x। अरे कर लीजिएगा, आप इतना नहीं करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, कर लीजिएगा। एंड में x का मान निकालिएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 4 मीटर आ जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। एक x का मान नेगेटिव में भी आएगा तो फिर डिस्टेंस का मान नेगेटिव में क्या होगा, ओके, तो डिस्टेंस का मान तो नेगेटिव में होगा नहीं, तो हमें x बराबर 4 को ही रखेंगे और x बराबर 12 को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एक और सवाल देखते हैं। फ्रॉम ए क्लिफ ऑफ 49 मीटर हाइट ए मैन ड्रॉप्स ए स्टोन 1 सेकेंड लेटर। कहता है एक आदमी है, एक क्लिफ के ऊपर से क्या करता है, एक स्टोन को गिराता है, और क्लिफ का जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है, 49 मीटर दिया हुआ है, सवाल में 49 मीटर दिया हुआ है, ऊपर से गिराता है और 1 सेकेंड के बाद क्या करता है, एक और स्टोन को गिराता है। कहता है 1 सेकेंड लेटर ही थ्रो अनदर स्टोन, एक और स्टोन को गिराता है। दे बोथ हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, दोनों क्या होता है, सेम टाइम पे ही ग्राउंड में आते हैं। तो बताना है हमें, फाइंड आउट द स्पीड विथ विच ही थ्रू द सेकेंड स्टोन, किस स्पीड से उसने दूसरे स्टोन को जमीन पे फेंका था, हमें ये निकालना है। तो देखिए ध्यान से, पहले केस में हमारे पास क्या है, h का मान पता है, हाइट का मान, हाइट का मान कितना आ रहा है, हाइट का मान 49 दिया हुआ है। फिर हमने क्या किया, पहले तो गिराया है, तो पहले गिराया है तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि पहले तो जो स्टोन होगा वो हमारे हाथ में रेस्ट पोजिशन में रहेगा, तो हम u इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो एक फॉर्मूला लगाएंगे, s इक्वल टू u2 प्लस हाफ gt स्क्वायर, s का मान 49, u का मान और t का मान तो खैर अभी रहने दीजिए, t जीरो में t से गुना करता तो ऐसे भी वो हो जाता, हाफ g का मान 9.8 और t का स्क्वायर t1। फिर हम यहां से क्या करेंगे, t1 का मान निकालेंगे, तो t1 का मान कितना आ जाएगा, 3.165 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे टाइम का मान, ओके। तो इसके 1 सेकेंड के बाद सवाल में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो टाइम लगा है, इसके जस्ट 1 सेकेंड के बाद क्या किया गया है, दूसरे स्टोन को नीचे गिराया गया है। तो देखते हैं दूसरा जो हमारा T2 का मान होगा, ये क्या होगा, जस्ट 1 से 1 सेकेंड का मान क्या होगा, कम होगा। तो हमने यहाँ तो ये सेकेंड का मान निकाला है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो हमारे T2 का मान निकल जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया है, T2 का मान निकाल लिया, ये जो T का मान है इसमें से 1 माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, 2.16, यह हमारे T2 का मान आ गया। तो देखते हैं इसका, फिर वही फॉर्मूला रखते हैं, s इज इक्वल टू ut और प्लस हाफ gt स्क्वायर वाला फॉर्मूला रखते हैं। तो s का मान तो 49 है ही, और u2 का मान क्या करना है, हमें निकालना है, और g का मान 9.8 रखेंगे और t का मान हमें पता चल गया है। कैलकुलेशन कीजिए, आराम से हमारा क्या हो जाएगा, u2 का मान निकल जाएगा, यानी कितने स्पीड से उसने पहले स्टोन दूसरे स्टोन को फेंका था हमें पता चल जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में आप मास्टर माइंड है, आप कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कहता है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए 40 मीटर क्लिफ, कैलकुलेट इट्स स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, ऑल्सो फाइंड द स्पीड विथ विच द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। कहता है कि स्टोन को गिराया गया है 40 मीटर हाइट से, क्या उस, तो हमें उसका स्पीड निकालना है और बताना है कि 2 सेकेंड के बाद उसका स्पीड कितना होगा, और जब वो ग्राउंड पे गिरेगा तो ग्राउंड पे गिरते समय उसका स्पीड कितना होगा, हमें ये बताना है। बहुत ही आसान है, आप बनाइएगा तो आसान है, नहीं तो फिर तो हार्ड है, ये है, जो नहीं बनाता है उसके लिए सब हार्ड होता है और जो बनाता है उसके लिए सब आसान होता है। तो सबसे पहला रूल मैंने जो बताया था, क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे h बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, 40 मीटर दिया हुआ है, टाइम बराबर 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं h बराबर 40 मीटर और टाइम बराबर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड निकालते हैं। b बराबर u प्लस at होता है, इनिशियल क्या है, इनिशियल तो जो स्टोन होगा वो हमारे हाथ में तो रेस्ट पोजीशन में रहेगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड at, यानी कि 9.8 into 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
अगेन देखते हैं, हमें बताना है कि कितने स्पीड से, किस वेलोसिटी से उसने क्या किया है, ग्राउंड को हिट किया। यहाँ पे देखिए, फाइंड द स्पीड विच द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो नेक्स्ट देखते हैं, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच हो जाएगा। तो बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, देखिए गुना भाग कर लीजिएगा, जी का मान 9.8, एच का मान 40, और भी का मान निकालेंगे तो सब रूट में हो जाएगा, और रूट से सबको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भी बराबर 28 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बना सकूं। आप लोग बस देखते हैं और देख के रह जाते हैं, कोई बात नहीं है, आई विल बी वायरल। नेक्स्ट, ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग टेक्स फोर सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। तो हम क्या करते हैं, 4 सेकेंड, टी का मान दिया हुआ है और हाइट से गिराया गया है, तो हाइट का ही हमें मान निकालना है। देख लीजिए, फॉर्मूला पे रख दीजिए, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बहुत ही आसान है। यू का मान रखिए, जी का मान रखिए, टी का मान रखिए, ये तो बच्चा वाला सवाल है, ये नहीं बताएंगे, बक इतना कैसे बताएंगे, ये तो सवाल लेना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अब बनाइए, बनता है तो मज़ा आता है। नेक्स्ट कहता है, ए बॉल इज थ्रो अप विथ ए स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहला डाटा तो हमें पहले लाइन में ही मिल गया, कौन सा, 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी यू का मान जो बार बार जीरो आ रहा था, इस बार हमें क्या मिला है, 0.5 मीटर पर सेकेंड मिला है। हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिन्स टू फॉल, कहता है जब गिरना शुरू करेगा तब तक ये कितना ऊपर चला गया होगा। हम क्या करेंगे, 0.5 मतलब किसी पत्थर को हमने आसमान में फेंका है, सोचा होगा कि आसमान में छेद हो जाएगा, लेकिन होगा तो नहीं, लेकिन बताना है हमें कि जब ये नीचे गिरना शुरू होगा तो कितना हाइट जा चुका होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो हम क्या करेंगे, यू का मान हमारा दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड, एच का मान निकालना है, और भी बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। फॉर्मूला में डाल दीजिए, फॉर्मूला दो तीन गो है, दो तीन गो कहीं से भी फॉर्मूला उठाइए, यही है। एच का मान निकालिएगा, एच का मान आ जाएगा 0.0127 मीटर आ जाएगा। फिर एक और फॉर्मूला होता है, भी बराबर यू प्लस जी टी, तो इसमें मान रखिए, तो भी का मान हमारा जीरो हो गया, यू का मान, देखिए ये सब आप कर सकते हैं, ऐसा मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम बता दिया है, आप लोग प्रॉब्लम को उतारिए, उसका डाटा नोट कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, नहीं बनता है तो ये सॉल्यूशन देखिए, और सॉल्यूशन बना लीजिए, अगर एक बार देख लीजिए, फिर उसको पीछे बनाइए, रफ कॉपी में बनाइए, आप देखिए कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है कि नहीं समझा है। ओके, अगला सवाल देखते हैं, ए कैब फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 2 सेकेंड्स। देखिए 2 सेकेंड्स को देखते ही पहले हम नोट कर लेंगे कि भाई यहाँ पे टी बराबर 2 सेकेंड अब हमको मिल गया, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड हमको मिल गया। तो कहता है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ये जो है ये कितना हाइट पे है ये बताना है, यानी पहला हमको एच निकालना है। ओके, एंड वाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना है। तो पहला फॉर्मूला देखते हैं, भी बराबर यू प्लस जी टी होता है, तो U का मान 0 और G का मान 10 और T का मान 2, गुना कर दीजिए, भी बराबर कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो फॉर्मूला में रख देंगे, भी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2GH होता है, तो भी का मान रखेंगे यहाँ पे 20 और U का मान 0 और 2GH में रखेंगे, तो H का मान तो हमको निकालना ही है। ओके, तो H का मान हमारा कितना हो जाएगा, देखिए H का मान हमारा हो जाएगा 20 मीटर, एवरेज स्पीड निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा एवरेज स्पीड। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और इससे थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम बनाते हैं और देखते हैं कि किस लेवल का हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, ओके, गुड डे, और वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।